हाँ जी, थोड़ी जूम कर लो मैं। जूम कर ली, देखो। एक मैं भी इधर से करेगा, मैं सिर्फ ठीक है फोटो ना? दिख रही है, बट उसमें क्या लिखा है वो नहीं पता लगा। जूम कर ला मालिक, जूम कर ला थोड़ा यार अपने फोन पे। अपनी स्क्रीन में हाँ जूम वही कर लाना सही। मालिक। हाँ जूम हाँ करना सही है क्योंकि सही है। यहां ओके से वो मैक्सिमम जूम है। ठीक है, हाँ मैम, जी मैम, जूम कर कर ली। ली। वाह ओके, ये हमारा टॉपिक है आज का, दैट इज डायग्नोस्टिक। बेटे फोन साइलेंट पर कर लो अपने। टॉपिक का नाम है डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट एप्लीकेशन। ठीक है, तो हमें पढ़ना है कि जो हमारा मेडिकल अल्ट्रासोनोग्राफी है इसमें होता क्या है। जो हमारी मेडिकल अल्ट्रासोनोग्राफी है, इसको सोनोग्राफी भी बोलते हैं, ये एक तरह का अल्ट्रासाउंड ही है जिसमें हम इमेज के टेक्निक के साथ हम देखते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो कौन सी है, उसको हम डायग्नोज करते हैं। ठीक है, और उस ये अल्ट्रासाउंड, जो इमेज के साथ अल्ट्रासाउंड हम देखते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, उससे हमें क्या पता लगता है, मसल्स का, इंटरनल ऑर्गन्स का, उनका साइज क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है। आप मान स्कैनिंग सेंटर में जाओ, अगर वहां पे अल्ट्रासाउंड कराओ ना, तो वो अल्ट्रासाउंड यही वाली करते हैं, उसमें साथ साथ वो इमेज देखते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, और साथ में आपको बताते हैं कि आपकी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं या जो मसल्स हैं उनका साइज और स्ट्रक्चर ठीक है या नहीं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अगर हम फिजिक्स में अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं, अल्ट्रासाउंड टर्म की बात करते हैं, तो अल्ट्रासाउंड का मतलब होता है एकॉस्टिक एनर्जी, दैट इज साउंड एनर्जी, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी ह्यूमन हियरिंग पावर से ज्यादा होती है। ठीक है, टिपिकल डायग्नोस्टिक सोनोग्राफी की अगर हम बात करते हैं, टिपिकल डायग्नोस्टिक सोनोग्राफी के जो स्कैनर्स हैं वो 2 से लेके 13 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रेंज पे ऑपरेट करते हैं, और इससे भी ज्यादा उसकी यू कैन से लिमिट हो सकती है। तो हमने कैसे देखना है कि कितनी फ्रीक्वेंसी हमें चूज करनी है, ताकि हमें जो इमेज है उसका रेजोल्यूशन प्रॉपर आ सके, और जो हमारी इकोस्टिक एनर्जी है ये पेशेंट के अंदर पूरी तरह से पेनिट्रेट कर सके, ताकि हम उसके पूरे ऑर्गन्स और उसका साइजेस पता लगा सके। ठीक है, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी इमेज की रेजोल्यूशन अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतनी उसकी रेजोल्यूशन पार कम होगी। ठीक है, अब डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन क्या है, अल्ट्रासोनोग्राफी होता क्या है, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, ये हमने देख लिया, और हम उसको किस लिए यूज करते हैं ये भी हमें पता लग गया। लेकिन इसको डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन क्या है, इसकी बेसिक एप्लीकेशन क्या है, जिस जिसकी प्रॉब्लम्स के कारण हमें अल्ट्रासाउंड करनी पड़ती है। सोनोग्राफी जो है वो मेडिसिन लाइन में बहुत ज्यादा यूटिलाइज होती है, और इसका काम क्या है, ये डायग्नोज करने के लिए यूज होता है। तो सोनोग्राफर्स का काम क्या है, सोनोग्राफर्स क्या करते हैं, सोनोग्राफर का मतलब जो अल्ट्रासाउंड कर रहा है उस पर्सन की बात करिए, उनके पास एक हैंड हेल्ड प्रोब होती है, जैसे कि आपने देखा हो अल्ट्रासाउंड इनके साथ आपने कभी करवाई हो, तो वो हैंड हेल्ड डिवाइस सा होता है कि वो आपके पेट के ऊपर लगाते हैं, पेशेंट के पेट के ऊपर लगाते हैं, और एक वाटर बेस्ड जेल लगाते हैं। वो जेल लगाने के बाद उसके ऊपर वो हैंड हेल्ड जो डिवाइस होता है उनका, उसको वो घुमाते हैं, ताकि जो आपके अल्ट्रासाउंड है वो स्क्रीन के ऊपर आ सके, जो अल्ट्रासाउंड के साथ जो आपकी इमेज क्रिएट हुई है मसल्स की या टिश्यूज की वो ऊपर नजर आ सके। अब वो जेल क्यों लगाते हैं, ताकि जो आपकी बॉडी है वो एकदम से फ्रिक्शन क्रिएट ना करे, और वो प्रॉपरली उसको घुमा के हर एक आपके बॉडी पार्ट को एनालाइज कर सके। अल्ट्रासाउंड जो है वो एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है सॉफ्ट टिश्यूज देखने के लिए बॉडी के, उसकी इमेज देखने के लिए, और मसल्स को, जैसे आपके टेंडन्स हैं, ब्रेन है, इन सब की चीजें, इन सब की इमेज भी जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी में देखी जाती है, जो कि 7 से 15 मेगाहर्ट्ज की होती है, जो कि आपकी बॉडी के प्रॉपर पार्ट्स को दिखाता है, प्रॉपर साइज दिखाता है बॉडी पार्ट्स के, और उसका जो रेजोल्यूशन है वो भी बेटर होता है, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं। जितना डीपर स्ट्रक्चर होगा, जैसे लीवर है, किडनी है, ये बहुत ज्यादा डीपर स्ट्रक्चर होता है, इसके लिए आप जो फ्रीक्वेंसी यूज करते हो वो बहुत ज्यादा लो यूज करनी पड़ती है, ताकि प्रॉपरली आपकी बॉडी के अंदर जो है वो जो वेव है वो जा सके और आपके बॉडी पार्ट्स को देख सके। तो लोअर फ्रीक्वेंसी हम रखते हैं, बहुत ही डीपर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, इन सबको देखने के लिए।
उसके लिए हम फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं 1 से लेके 6 मेगाहर्ट्ज तक की, ताकि हमें प्रॉपर जो है वो इमेज नजर आ सके। 2 इसकी रेजोल्यूशन कम होगी बट पेनिट्रेशन ज्यादा होगी। अब मेडिकल सोनोग्राफी को हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं? कार्डियोलॉजी, यानी अगर हार्ट की कोई प्रॉब्लम है उसको देखने के लिए, एंडोक्रिनोलॉजी, गैस्ट्रोक्रिनोलॉजी रिलेटेड टू पेट, गायनेकोलॉजी रिलेटेड टू वुमेन प्रेगनेंसी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड ऑप्थेमोलॉजी, ये मेडिकल टर्म्स हैं, ये अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए जो है हम इसको यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड। ये ऑप्थामोलॉजी क्या है मैं देख लेती हूँ। ऑप्थामोलॉजी वो चीज है जो आपकी आईज के डिसऑर्डर के आईज के लिए जो हम यूज करते हैं, दैट इज ऑप्थामोलॉजी। ठीक है, जैसे आपने देखा है लेजर ट्रीटमेंट्स जो हैं वो भी थ्रू अल्ट्रासाउंड हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर जो है वो प्रॉब्लम कितनी को है, आईज में कितना वो डिसऑर्डर है, उसके लिए भी हम सोनोग्राफी करते हैं। ठीक है, और ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब होता है जो रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ हो, जो भी स्टडी रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ होती है, यानी कि चाइल्ड को देखने के लिए कि बेबी बिल्कुल नॉर्मल है या नहीं, उसके पार्ट्स को देखने के लिए भी हम ये जो टर्म है ऑब्स्टेट्रिक्स को यूज करते हैं, उसमें भी सोनोग्राफी को यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट पेज दिखाई दे रहा है, पेज नंबर 84। अल्ट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड के लिए, आर्टरीज के लिए, वेन्स के लिए, इन सब के लिए भी सोनोग्राफी यूज होती है। सो जनरल पर्पस अल्ट्रासाउंड मशीन जो होती है हमारी, वो क्या करती है, एक इमेज को प्रोड्यूस करती है जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को दिखाता है। अब हम स्पेसिफिकली इसकी बात करें तो इसमें एक ट्रांसड्यूसर लगा होता है। ठीक है, इकोकार्डियोग्राफी जो है उसमें मेजर सब स्पेशलिटी है अल्ट्रासाउंड को डायग्नोस करने की, जो एक डिफरेंट सी कोई टर्म है। डायनेमिक नेचर जो है हमारी कार्डियक स्टडीज की, उसमें हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मतलब हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को प्रॉपर देखने के लिए, बॉडी टिश्यूज को प्रॉपर देखने के लिए, उसकी फंक्शनैलिटी को देखने के लिए हम सोनोग्राफी को यूज करते हैं। ये हार्ट के लिए, आईज के लिए, पेट के लिए, गैस प्रॉब्लम के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, हर चीज के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए हम सोनोग्राफीज को भी यूज करते हैं। देन आते हैं थेरापोटिक एप्लीकेशंस। थेरापोटिक क्या होता है? थेरापोटिक एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड यूजुअली मेक यूज ऑफ साउंड टू ब्रिंग हीट, हीट प्रोड्यूस करने के लिए उसमें साउंड एनर्जी को यूज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं थेरापोटिक एप्लीकेशन। मतलब बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस करते हैं थ्रू साउंड वेव, देयरफॉर इसमें हम बहुत सारे हायर एनर्जी यूज करते हैं ताकि हम उसको यूज कर सके देखने के लिए। अल्ट्रासाउंड की बजाय हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? साउंड एनर्जी। अल्ट्रासाउंड में क्या होता है, साउंड एनर्जी से ज्यादा वाली फ्रिक्वेंसी को हम यूज करते हैं, लेकिन थेरापोटिक एप्लीकेशन में हम साउंड सिग्नल को यूज करते हैं बॉडी में हीट प्रोड्यूस करने के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हमने कोई ट्यूमर को ट्रीटमेंट देना है या कोई डिसऑर्डर है हमारी बॉडी के अंदर, हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड जहाँ पे चाहिए वहां पे हम इसको यूज करते हैं। इस प्रोसीजर में हम लोअर फ्रिक्वेंसी को यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड की जो फ्रिक्वेंसी है उससे कम फ्रिक्वेंसी को यूज करते हैं, जो कि 250 किलोहर्ट्ज से लेके 2000 किलोहर्ट्ज। ये पता है ना आपको, 250 किलोहर्ट्ज से 2000 किलोहर्ट्ज जो है वो ह्यूमन जो है वो इजिली सुन सकता है। हाँ जी, और ये ट्रीटमेंट्स जो है ये हम बेसिकली ट्यूमर्स के लिए या कैंसर्स के लिए यूज करते हैं। इस ट्रीटमेंट में हम एमआरआई भी यूज करते हैं। एमआरआई जो आप में से किसी ने अगर सुना होगा, वो भी एक तरह आपकी बॉडी को स्कैन कर लेता है, कि एमआरआई से पता लग जाता है कि आपकी बॉडी में ट्यूमर्स वगैरह कहाँ पे है। ठीक है, तो ये वाला अल्ट्रासाउंड थेरेप्योटिक एप्लीकेशन इज अ काइंड ऑफ अल्ट्रासाउंड ही यूज कर रहे हैं इसमें भी हम, लेकिन थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी को कम करी हुई है या ज्यादा करी हुई है हमने जगह पे। अब अगर हम बात करते हैं अल्ट्रासाउंड की, तो अल्ट्रासाउंड हम यूज करते हैं दांतों को क्लीन करने के लिए, स्केलिंग जब आप कराते हो उसके लिए भी यूज करते हैं,
और लोकल हीटिंग, अगर बायोलॉजिकल टिश्यू को अगर हमें हीट प्रोड्यूस करनी है उसके लिए भी हम इसको यूज करते हैं। अगर हमें किडनी स्टोन को ब्रेक करना है तब भी हम यूज करते हैं। मैसेजेस एक दूसरे को प्लीज करने बंद कर दो, फोकस ऑन दिस सब्जेक्ट एंड योर टॉपिक। आई नो वहां क्या चल रहा है, ठीक है। आपके अल्ट्रासाउंड को हम काफी सारे ट्रीटमेंट्स के लिए इस तरह से यूज करते हैं। अब मैंने एमआरआई वर्ड की बात, एमआरआई की बात करी थी। एमआरआई क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या इसको मैग्नेटिक रेजोनेंस टोमोग्राफी बोलते हैं। ये एक मेथड है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या चल रहा है उसको मैम देख। आपकी आवाज खराब आ रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज आ कोई बात नहीं, बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, अभी ठीक हो जाएगी तो आपको सुनाई देगा। अभी इंटरनेट प्रॉब्लम है। रही है। क्या कह रहे हो? इंटरनेट प्रॉब्लम है बेटे, रुको मैं अपना। हेलो। आप सुनाई दे रहे? हाँ हाँ जी मैम ठीक जी मैम, अब ठीक है। तो एमआरआई जो है, एमआरआई क्या है? दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, या इसको हम मैग्नेटिक रेजोनेंस टोमोग्राफी भी बोलते हैं। ये हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है वो देखने के लिए यूज करते हैं। बेसिकली एमआरआई जो है ये मोर डिटेल देती है आपके सारे ऑर्गन्स की। ज्यादा डिटेलिंग जब हमने देखनी होती है तो हम एमआरआई कराते हैं। ये यूज करते हैं हम लिविंग टिश्यूज को देखने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इसको मेडिकल इमेजिंग नाम दिया है। एमआरआई जो है ये मेडिकल या बायोलॉजिकल फील्ड्स में यूज होती है। इसमें हम हाइड्रोकार्बन्स को यूज करते हैं और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड है ये। अगर हम अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं ना, वो कई बारी हार्मफुल हो सकता है बॉडी के लिए, बॉडी टिश्यूज के लिए। वेयर इज एमआरआई इज टोटली यू कैन सेफ मेथड है ये। एमआरआई इज यूज टू डिस्टिंग्विश पैथोलॉजिकल टिश्यू, मतलब कि ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर को पता करने के लिए हम एमआरआई, एमआरआई जनरली दिमाग की होती है तो एमआरआई को हम यूज करते हैं ब्रेन को, ब्रेन के ट्यूमर्स को देखने के लिए। एमआरआई का मैंने अभी बताया सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये हार्मलेस है, मतलब इसमें कहीं पे भी हमारी बॉडी को कोई हार्म नहीं होता, हमारी बॉडी को इस वेव से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज की। अगर हम सीटी स्कैन की बात करते हैं या एक्सरेज की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं अगर आप एक लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको एक्सरे करवाने से या फिर उसको सीटी स्कैन कराने से मना किया जाता है, क्योंकि वो बेबी के लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल होती है वेव्स। वेयर एज जो एमआरआई है ये आपकी प्रेगनेंसी है या नहीं है, दिस इज अ सेफ मेथड, इससे अंदर बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। सो इट इज अ काइंड ऑफ सेफ मेथड। और जो एमआरआई है ये रेजोल्यूशन यानी जो इमेज देती है वो भी बेटर क्वालिटी की, बेटर कंट्रास्ट रेशियो होता है उसका। सो एमआरआई इज अ यू कैन से सेफ एंड मोर सिक्योर मेथड देन सीटी स्कैन। नेक्स्ट आता है थेरापेटिक इक्विपमेंट एप्लीकेशन। थेरापेटिक इक्विपमेंट की एप्लीकेशंस क्या है? मैंने अभी बताया थेरापेटिक इक्विपमेंट क्या था, जो अल्ट्रासाउंड को या फिर जो कह सकते हैं साउंड एनर्जी को यूज करता है हमारे टिश्यूज को देखने के लिए। अब इसके एप्लीकेशंस कहाँ पे है? नेबुलाइजर के लिए। नेबुलाइजर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस है जिसमें लिक्विड मिस्ट होती है एयर वे से। आपने सबने अगर कोरोना में सुना होगा तो सब कहते थे नेबुलाइजर यूज जरूर यूज करो। नेबुलाइजर्स हाँ क्या जी करता मैम, था हाँ जी मैम। जगजीत? क्या होता है नेबुलाइजर? मैम स्टीम पास करते हैं मैम, वो मास्क की तरह यूज कर लेते हैं, मास्क लगा के हाँ जी उसको मैम, स्टीम स्टीम देते हैं वो स्टीम के लिए वेपर्स, यूज वाटर करते हैं। वेपर्स। हाँ हाँ बिल्कुल, जी लिक्विड मिस्ट होता है इसमें जो हवा के थ्रू हम उसको हाँ जी हाँ जी देखते हैं।
ये कौन यूज करता है ज्यादा, जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है या जिसको रेस्पिरेटरी, जरा बात, जिसको सांस लेने में दिक्कत होती है या फिर जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, जनरली वो नेबुलाइजर अपने पास रखता है हमेशा, ठीक है? हाँ जी हाँ। सो इसको हम एटोमाइजर भी बोलते हैं। बेसिकली ये क्या करता है, ऑक्सीजन देता है आपकी बॉडी को लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड मेडिसिन की तरह काम करता है, ठीक है? तो उस केस में भी हम थेरेप्यूटिक इक्विपमेंट की एक एप्लीकेशन है। उसके बाद हम इसका यूज कैसे करते हैं, नेबुलाइजर का यूज कैसे करते हैं और नेबुलाइजर लगाते कैसे हैं? अगर आपने यूज किया होगा तो आपको पता भी होगा, नेबुलाइजर यूजुअली एक्सेप्ट देयर मेडिसिन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। नेबुलाइजर में आप लिक्विड मेडिसिन डाल देते हो, ठीक है, और वो मेडिसिन जो है वो आपके उसमें घुल जाती है, लिक्विड में घुल जाती है, फिर आप उसको इनहेल करते हो, मतलब अपनी सांस के थ्रू उसको अपनी तरफ खींचते हो, तो वो आपके लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम में चली जाती है। क्या अब वो कई आपको डॉक्टर्स बोलेंगे कि ये मेडिसिन आपने लिक्विड में डाल के लेनी है या नेबुलाइजर के थ्रू ही लेनी है, डायरेक्ट क्यों बोलते हैं, मना करते हैं, क्योंकि उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं। वो स्टेरॉइड्स अगर आप लिक्विड फॉर्म में मिक्स करके नहीं लोगे तो वो स्टेरॉइड्स जो है वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होंगे, इसलिए वो नेबुलाइजर में डाल के उस दवाई को लेने के लिए बोलते हैं, ताकि वो लिक्विड में मिक्स हो जाए, उसकी कंसेंट्रेशन जो है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है? तो अदरवाइज बॉडी के लिए वो टॉक्सिक हो जाएगा। तो इस लिक्विड को मशीन में डाल के उसको यूज करते हैं। और इसके अलावा जो वेपराइज्ड मेडिसिन होती है, जो सिर्फ इनहेल ही कर सकते हो आप माउथ पीस में, ट्यूब के थ्रू इनहेल कर सकते हो या इनहेलर के थ्रू आप अंदर मेडिसिन ले सकते हो, उस केस में भी हम इसको यूज करते हैं। और इसका एक और सबसे बड़ा नेबुलाइजर का बेनिफिट क्या है कि आप इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हो, पोर्टेबल है, बहुत इजीली आप इसको कैरी कर सकते हो। और ये जो मास्क की बात कर रहा था, कई बार हम कह सकते हैं कि नेबुलाइजर जो है वो हमारे जो रबर फेस मास्क होता है उसको रिप्लेस कर देता है, मतलब रबर फेस मास्क की तरह हम इसको यूज कर लेते हैं। जो हमारा नॉर्मल हम मास्क यूज करते हैं कपड़े वाला, उसकी जगह हम ये रबड़ वाला मास्क यूज करते हैं जब तक हम नेबुलाइजर को यूज करते हैं, ठीक है? और उसके अलावा अगर हमें एनेस्थीसिया देना हो, एनेस्थीसिया क्या करता है, जिससे बेहोशी होती है या जिससे आपको पेन कम होती है, अगर आपने एनेस्थीसिया भी देना होता है बहुत ज्यादा छोटे बच्चों को या फिर बहुत ज्यादा बुजुर्ग लोगों को, तब भी हम इनहेलर के थ्रू देते हैं, नेबुलाइजर के थ्रू दे देते हैं। और अगर आपको कोई डॉक्टर, अगर डॉक्टर आपको बोलता है कि लिक्विड में मिला के नेबुलाइजर के थ्रू आपने मेडिसिन लेनी है, दैट मींस वो आपको स्टेरॉइड्स दे रहा है, और स्टेरॉइड्स लेने के बाद आपको अपना माउथ जरूर वॉश करना है, अदरवाइज आपके माउथ पे इन्फेक्शन हो जाएगी। जब भी नेबुलाइजर यूज करते हो ना, उसको यूज करने के बाद अपना फेस अच्छे से वॉश किया करो, हैंड वॉश किया करो, अदरवाइज आपके जो माउथ है उस पे इन्फेक्शन होने लग जाएगी, आपके पूरे फेस पे इन्फेक्शन होने लग जाएगी, क्योंकि आपने स्टेरॉइड्स लिए, ठीक है? और अगर वो इन्फेक्शन हो जाएगी तो आपकी बॉडी के लिए, आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं है। क्लियर? नेबुलाइजर तो वो फिर इन्फेक्शन ठीक नहीं होती, क्रीम या मेडिसिन लगा के ठीक होगी, अगर रैशेज वगैरह हो गए कई बार माउथ के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे आपने नेबुलाइजर के थ्रू ड्रग्स लिए है ना, एक तरह स्टेरॉइड्स इज अ ड्रग, तो जो आपके माउथ है उसके अंदर भी इन्फेक्शन हो जाती है, तो आपको माउथ यू नो यू कैन मतलब चुली कर लिया करो आफ्टर टेकिंग दैट मेडिसिन। ओके मैम, वो जो आपने बताया कि बेहोश करने के लिए भी नेबुलाइजर यूज करते हैं, वो कैसे मतलब? बेहोश करने के लिए नहीं, पेन को कम करने के लिए, जैसे जो बुजुर्ग हैं या जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको डायरेक्ट एनेस्थीसिया नहीं दिया जा सकता, अगर उनका कोई भगवान ना करे कोई उनको प्रॉब्लम ज्यादा आ जाती है या पेन ज्यादा होती है या फिर उनका कोई ट्रीटमेंट ऐसा करना है जिसमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है, तो वो डायरेक्ट एनेस्थीसिया छोटे बच्चों को नहीं दे सकते, इंजेक्शन नहीं लगा सकते, तो वो लिक्विड फॉर्म में नेबुलाइजर के थ्रू एनेस्थीसिया देते हैं ताकि उनका थोड़ा थोड़ा असर हो। शुक्र है मानव तू इंजीनियरिंग कर रहा है, तूने कोई डॉक्टर बनने का नहीं सोचा। ओके, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज कार्डियोवर्टर। कार्डियोवर्टर या डिफिब्रिलेटर या यू नो कार्डियो कन्वर्टर, कार्डियोवर्टर इम्प्लांटेशन क्या होता है,
इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर या रिफिब्रिलेटर इज आर कॉमनली रेफर्ड एज आईसीडी, इनको आईसीडी भी बोलते हैं। ये एक ऐसा डिवाइस है जो आपके हार्ट की बीट को, हार्ट के रिदम को कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है। ये डिटेक्ट करता है कि जो आपका हार्ट का रिदम है वो प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं, उसमें कोई एबनॉर्मिलिटी तो नहीं है, या फिर वो बहुत ज्यादा स्लो या बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं है। तो वो बेसिकली हार्ट की पेस को चेक करता है, उसकी स्पीड को चेक करता है। ठीक है, so if the heart to convert the heart rhythm back to normal, the patient does not feel the rapid pacing, but the electric shock if used is felt as a strong jolt in the chest. तो ये जो है ना patient को दिया जाता है एकदम से shock देने के लिए। यू आपने देखा होगा जब body आपकी थोड़ा सा heart काम करना बंद कर देता है या फिर आपकी heart beat अगर बहुत ज्यादा slow हो जाती है तो वो एकदम से electric shock देते हैं ताकि दोबारा से heart वो normal हो जाए। आपकी हार्ट की रिदम जो है वो खराब हो रही है, इमिडिएटली अगर ट्रीटमेंट चाहिए तो आपको ये वाला ट्रीटमेंट दिया जाता है। एम्बुलेंस में भी अगर लेके जा रहे हैं और कहीं पे भगवान ना करे किसी को हार्ट अटैक या ऐसी प्रॉब्लम आ रही होती है उस टाइम पे भी इसको यूज करते हैं। इसको हम ICDs बोलते हैं। ये पेशेंट्स की बॉडी पे लगाया जाता है ताकि उसकी हार्ट बीट जो है वो दोबारा से नॉर्मल हो सके। और मार देना तो ना। ओके दो मिनट सुन लो फिर मैं आपके लिए पूछती हूँ। Devices implanted in an operating room, जहाँ पे operation हो रहा होता है, वहाँ पे इस device को रखा जाता है। The procedure typically takes two to three hours and patients are discharged from the hospital. इस procedure को 2 to 3 hours लगते हैं करने में, उसके बाद जो patient है उसको discharge कर दिया जाता है next day उसको discharge किया जाता है। Older devices are implemented in abdominal wall, जो पहले वाले आपके ये devices थे उसको abdominal wall में लगाया जाता है, आपके abdomen के पास लगाया जाता है। और कुछ डिवाइसेस जो है वो कॉलर बोन इज ये वाली जो आपकी बोन होती है इसके पास लगाया जाता है, जैसे कि पेसमेकर लगाते हैं। ठीक है, तो हार्ट की वेन के साथ इसका कनेक्शन हो जाता है जिससे आपकी हार्ट जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक लेने के बाद दोबारा से वापस आ जाता है। इसको हम इलेक्ट्रिकल थेरेपी भी बोलते हैं। ठीक है, तो हार्ट की पेस को चेक करने के लिए ताकि वो बहुत ज्यादा स्लो ना हो जाए हम इसको यूज करते हैं। Like pacemaker, these devices must be continuously इसको monitor किया जाना चाहिए। ये devices जो है वो आपकी skin के ऊपर place किया जाता है ताकि आपके device की programming कर सके अगर आपको जरूरत पड़ती है उसमें कुछ changes करने की। Routine monitoring will detect a battery that is nearing the end of its lifespan long before it gives out. तो इसकी आपको routine में monitoring करनी पड़ती है ताकि ये ना हो कि जो उसकी battery है वो dead हो जाए और वो जो device है वो काम करना बंद कर दे। ठीक है, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने उसका ओल्ड डिवाइस रिमूव करके नया डिवाइस इंप्लीमेंट करना है। हाँ जी मानव, अब बताओ क्या बोल रहे थे? मैं कह रहा था मैडम डायरेक्ट तारा ला दो। डायरेक्ट तारा ला दो फिर क्या होता है? हार्ट बीट पता नहीं वापस आनी कि नहीं आनी। चली जानी मैम, ओदे ना भी करंटी पैना ते तारा नाल भी करंटी पैना। ठीक है, तू ट्राई करके देखी कभी तारा नु फाड़ के किदा दा लगदा है। हार्ट बीट नॉर्मल हुंदी है तेरा बन जाना पल्ले पल्ले तो ना मैं हेयर स्टाइल बन जाना ही।